नमस्कार, मैं योग गुरु राजेश। आज मैं ऐसे टॉपिक पे बात करने जा रहा हूँ जो आपके लिए बहुत ही उपयोगी है। 95% लोगों को भारत में कब्ज की प्रॉब्लम रहती है। पेट का ठीक से साफ न होना या बार बार आप पोटी जाते रहते हैं, दिन में 2 या 3 बार आपका पेट साफ होता है, तो समझ लीजिए आपको कब्ज की प्रॉब्लम हो रही है। पेट में आपके जो बड़ी आंत है उसमें जब मल सूखने लगता है तो ठीक से एक बार में मल का निष्कासन नहीं हो पाता और यही कब्ज है। बस निर्भर करता है कि यह रोग किस स्टेज पर है। शुरुआती दौर में आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपको कब्ज की प्रॉब्लम है, लेकिन धीरे धीरे ऐसे कई सारी बीमारियां, बीपी का हाई होना या लो होना, स्किन प्रॉब्लम, हेयर फॉल, कील मुहासे हो जाना, झाइया हो जाना, रक्त दोष, ये सारे बीमारियां कब्ज से ही तो जन्म लेती हैं। खाने का ठीक से पाचन न होना, भोजन में आपको स्वाद न आना, कई बार खाना जब आप देर से खाते हैं तो खाना पच नहीं पाता और आपके पाचन तंत्र को प्रभावित करता है। कब्ज का जो सबसे मुख्य कारण है वो है खाने का समय पर न खाना। कभी आप 2 बजे भोजन करते हैं, कभी आप 11 बजे खाना खाते हैं, कभी आप 4 बजे खाना खाते हैं। आप अपने कामों में इतना व्यस्त रहते हो कि आप अपने स्वास्थ्य को इग्नोर करते रहते हो, तो यही कारण आपके पाचन तंत्र को बिगाड़ देता है और आप कब्ज के शिकार हो जाते हैं। तो यदि पेट आपका ठीक से साफ नहीं होगा तो आप समझ लीजिए कि आप कई सारे और रोगों से पीड़ित होने वाले हैं। तो सबसे मुख्य कारण मैंने बताया, पहला कि आप अपने भोजन को समय पर करें। समय पर भोजन न करना ही कब्ज को बढ़ावा देता है। दूसरा, खाने को ठीक से चबाकर नहीं खाना। आप बहुत जल्दी में रहते हैं, कई बार दूसरे कामों को प्राथमिकता देते हैं, लेकिन खाना आपके लिए प्राथमिकता की कैटेगरी में नहीं आता। तो आप खाने को स्पीड से खाते हैं, बहुत तेज़ी से खाना खाते हैं। जब आप तेज़ी से खाना खाते हैं तो जो काम दांतों को करना चाहिए वो आंतों को करना पड़ता है, और आंतें वो काम करने में सक्षम नहीं है जो दांत का आपके काम कर सकते हैं। दांतों में जब आप खाने को चबाते हैं तो हमारे जो लार है, मुँह में जो लार बनती है, लार के अंदर जो टाइलिन एंजाइम होता है, ये बहुत ही मुख्य भूमिका में आपके पाचन को बढ़ाता है। आपके पाचन तंत्र को ठीक से काम करने में ये जो टाइलिन एंजाइम है ये बहुत ही हेल्पफुल है। जब आप खाने को ठीक से चबाते हैं, धीरे धीरे चबाते, कम से कम 32 बार खाने को चबाना चाहिए। जो सॉलिड फूड है, जो देर से थोड़ा भारी भोजन है उसको 32 बार चबाइए, जो हल्का भोजन है उसको 15 से 20 बार भी आप चबा सकते हैं। तो आप खाने को जब धीरे धीरे चबाते हैं तो जो लार आपके खाने में मिक्स होती है वही लार आपके खाने को पचने योग्य बनाती है, वही लार आपके भोजन के अणुओं को तोड़ती है। जो टाइलिन एंजाइम है ये आपके भोजन के अणुओं को तोड़ देता है, छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित कर देता है, जिससे पाचन तंत्र को आपके खाने को पचाने में आसानी रहती है और वो इसे ठीक से पचा पाते। यदि आप इसके विपरीत करते हैं, आप जब स्पीड से खाना खाते हैं तो आपका भोजन पच नहीं पाता और आपके कई तरह के विकार उत्पन्न हो जाते हैं, कब्ज की प्रॉब्लम हो जाती है। तो खाना धीरे धीरे खाएं, कम से कम आप आधा घंटा खाना खाते समय जरूर लगाएं, और इसकी आपको प्रैक्टिस करनी होगी। शुरू में आप चाहेंगे धीरे धीरे खाना, लेकिन खाना आप तेज़ी से अंदर जाता रहेगा आपका, तो आपको धीरे धीरे 1 सप्ताह लगेगा इसको चेंज करने में। धीरे धीरे आप इसको चेंज करें, ये आदत है। जैसे आप तेज़ी से खाना खाने की आदत बना लेते हैं, ऐसी धीरे धीरे खाना खाने की आदत बनाएंगे तो आप पाएंगे कि आप बहुत सारे रोगों से मुक्ति। हेडेक, आईसाइट का वीक हो जाना, बालों का गिरना, स्किन प्रॉब्लम, हार्ट प्रॉब्लम, गैस, एसिडिटी, ये तमाम तरह की बीमारियां आपके पास नहीं आएंगी अगर आप खाने को धीरे धीरे चबाकर खाना शुरू करें। यदि आप ऐसा नहीं करते तो आपको हर रोज़ गैस की
टैबलेट खानी पड़ती है, हर रोज़ आपको एंटी एसिड खाना पड़ता है। तो इन सब दवाइयों से मुक्त होने के लिए आप बस इतना ही करें कि आप अपने खाने को धीरे धीरे चबा चबा कर खाएं, आधा घंटा कम से कम निकालें अपने खाने खाने के लिए। अब ये तो हमने कुछ कारणों पर बात की, इन कारणों को आप दूर करें, क्योंकि जब तक कारण दूर नहीं होंगे उपाय नहीं होगा। दूसरे आपको मैं आज दो आसन बताऊंगा जिनको आप करके अपने कब्ज से मुक्ति पा सकते हैं, और कुछ खान पान में हम ऐसा क्या करें जिससे आपके कब्ज की प्रॉब्लम ठीक हो जाए। तो सबसे पहले हमें दो आसन करने हैं। जब आप सुबह उठते हैं तो सुबह गुनगुना पानी लें, उसमें थोड़ा आधा नींबू आप या एक नींबू, जिनको नींबू सूट नहीं आए वो नींबू ना लें, वो केवल हल्का नमक डालें, सेंधा नमक ले सकते हैं, काला नमक ले सकते हैं। तो नमक को डालकर एक से दो गिलास आप पानी पिएं, और पानी पीने के बाद फिर इन दो आसनों को आप करें। तो अभी मैं आपको इन दोनों आसनों को दिखाऊंगा, इन दोनों आसनों को आप ठीक से देखें और करें इनका अभ्यास। तो पहला आसन आपको करना है तिर्यक ताड़ासन। पानी पीने के बाद एक से दो गिलास पानी पिया आपने, तिर्यक ताड़ासन का अभ्यास करेंगे। पहले तिर्यक ताड़ासन में आप दोनों पैरों को कंधों के बराबर खोलेंगे, अपने दोनों हाथों को इस प्रकार से लॉक करें और अपने हाथों को ऊपर की ओर ले जाएं, सांस भरें, राइट साइड बेंड करें अपनी बॉडी को जितना आप जा सकते हैं अपनी बॉडी के अनुसार। श्वास छोड़ें, फिर श्वास लें लेफ्ट साइड। तो इस प्रकार से आप 20 से 25 बार राइट और लेफ्ट करें, 2 से 3 मिनट एक आसन में आप जरूर लगाएं। दूसरा आसन कटी चक्रासन, इसमें दोनों हाथों को सामने रखें, पैर वैसे ही आपके खुले रहेंगे कंधों के बराबर, दोनों हाथ सामने बिल्कुल स्ट्रेच। श्वास लेते हुए राइट साइड पीछे की ओर घूमेंगे, पैर नहीं हिलेंगे आपके, पैर स्थिर रहेंगे। 2, श्वास छोड़ेंगे, बीच में जब आए श्वास छूटेगा आपका। श्वास लेते हुए लेफ्ट साइड बीच में आए, जब पीछे की ओर जाते हैं तो पूरा ध्यान अपने कॉलन के ऊपर रखिए। आप कॉलन में जो दबाव पड़ता है उसको आप महसूस करें। तो आपने इन दो अभ्यासों को देखा, इन अभ्यासों को आपको कम से कम 2 से 3 मिनट एक अभ्यास में लगाना है। तो ऐसे आप लगभग 8 से 10 मिनट इन दोनों अभ्यासों को करेंगे तो आप देखेंगे आपका पेट ठीक से साफ होगा, जो आपकी बड़ी आंत में मल जम जाता है, सूख जाता है, उसका निष्कासन होने लगेगा, तो आपका कब्ज ठीक होगा। दूसरा, आप सुबह खाली पेट 1 से 2 एप्पल सेब आप ज़रूर खाएं। अगर अमरूद का सीज़न है तो आप अमरूद खाएं सुबह, अमरूद भी बहुत ही गुणकारी हैं और पेट को साफ करता है। आप खाने में पपीते का प्रयोग करें, अपने नाश्ते में आप जब ब्रेकफास्ट करें तो पपीता लें, आप अमरूद लें, और सुबह के समय आप थोड़ा किशमिश भी अपने नाश्ते में लेना शुरू करें। 15 से 20 किशमिश, जिनको कब्ज की प्रॉब्लम है वो किशमिश को भिगो दें पहले, 1 घंटा पहले, और फिर उस किशमिश को आप खाएं और चबा चबा कर खाएं पूरा। खाने में आप इन फलों का प्रयोग करें। फलों में मैंने आपको बताया पपीता, अमरूद, सेब और अंगूर, ये सारे फल कब्ज नाशक हैं, आपके पेट को साफ करते हैं, आपके पाचन तंत्र को हेल्दी बनाते हैं। दूसरा, दोपहर में आप छाछ का प्रयोग करें। खाने के बाद लगभग 1 घंटे बाद आप छाछ लें। छाछ कहते हैं दही में आप लगभग 4 गुना पानी आप मिक्स कर लें तो छाछ बन जाती है। उसमें आप थोड़ा जीरे का तड़का लगा सकते हैं, पुदीना डाल सकते हैं, तो स्वादिष्ट भी बहुत हो जाती है वो। आप तो 1 घंटा बाद आप छाछ का प्रयोग करें। दूसरा, रात के समय आप 3 से 5 पीस अंजीर दूध में उबाल लें। दूध में आप अगर दूध पीते हैं तो दूध में उबाल लें, अगर दूध नहीं पीते तो आप सुबह उन अंजीर 3 से 5 पीस अंजीर को भिगा दें, और 7 से 8 पीस मुनक्का भी आप उसी में भिगा दीजिए रात को सोने से पहले। जो है अगर दूध पीते हैं तो दूध में ही डालकर बॉयल कर दें इसको, नहीं तो आप सुबह पानी में भिगो दें और रात को सोने से 1 घंटा पहले इनको आप खाएं, तो सुबह आपका पेट साफ होगा। एक सबसे महत्वपूर्ण बात, सप्ताह में आप एक बार उपवास जरूर करें। उपवास में आप केवल फलाहार लें। फलाहार आप कोई भी
मौसमी, पपीते का जूस या आप अमरूद का जूस, अंगूर का जूस या ऐसी अंगूर खाएं, चबा चबा कर खाएं। लेकिन देखिए, जो मैं बार बार आपको एक ही बात कह रहा हूँ कि चबा चबा कर खाना खाएं। अगर आपने खाने को चबा चबा कर खाना सीख लिया तो आप ये समझिए 98% रोगों से मुक्ति हो जाएगी आपकी, आपको कोई रोग नहीं होगा अगर आप ठीक खाना ठीक से चबा कर खाना शुरू कर देते हैं। जो खाने में जो लार की मैं बात कर रहा था, तो उस लार में बहुत तरह के जो है न्यूट्रिशन मिले मिक्स रहते हैं, उसमें आपका सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, प्रोटीन ना, ये तरह बहुत तरह के जो लाभकारी हमारे जो तत्व हैं वो उस एंजाइम्स में, उस लार में मिक्स रहते हैं। तो ये सब तत्व आपकी बॉडी को पोषकता देंगे अगर आप खाने को ठीक से चबाकर खाएंगे, खाना आपका ठीक पचेगा, आप स्वस्थ होंगे, निरोग होंगे। पेट को ठीक कर लिया तो जीवन में कभी हार्ट की प्रॉब्लम नहीं होगी आपको, आपको कभी भी हेडेक नहीं होगा अगर आपने अपने पेट को ठीक रखा। जिन लोगों को हेडेक की प्रॉब्लम रहती है, सब पेट से रहती है भाई, जिनको बॉडी में पेन रहता है पेट से रहती है। तो पेट को ठीक करना है, कब्ज को ठीक करो, कब्ज ठीक किया तो सारे रोग ठीक हो जाएंगे। और इन आसनों को जो मैंने आपको दिखाए, इनको आप ज़रूर सुबह करें, सबसे पहले पानी पीकर इन्हें आसनों करें। देखिए, आयुर्वेद में एक सूत्र आता है, निशांते पिवेत वारी, दिनांते पिवेत दुग्धम, भोजनांते पिवेत तक्रम, वैदस्य किम प्रयोजनम। तो जो व्यक्ति सुबह पानी पीता है, दोपहर में भोजन के बाद छाछ पीता है और रात को दूध का सेवन करता है, उसको वैद्य की आवश्यकता नहीं, उसको डॉक्टर की आवश्यकता नहीं होती, अर्थात वो बीमार ही नहीं पड़ता। तो आप इनका प्रयोग करें और जो मैंने उपाय बताए इनको करें, तो आप पाएंगे कब्ज से पूरी तरह से मुक्ति, और कब्ज के साथ साथ बहुत तरह के रोगों से मुक्ति होगी आपकी, छुटकारा होगा। तो आप सभी लोग इस वीडियो को शेयर जरूर करें, क्योंकि कब्ज की प्रॉब्लम मैंने जैसे बताया 100% लोगों को, आपके घर में ही भाई बहन, चाचा, ताऊ, माता पिता, आप सबको बताओ ये, सबके खाने में आप चेंज करो और आप देखेंगे कि वो बीमार होना ही बंद हो जाएंगे। आपके जो बहुत सारे पैसे जो हॉस्पिटलों में जाते हैं वो पैसे बचेंगे आपके। आप सभी लोग स्वस्थ रहें, निरोग रहें, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम जल्द ही नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको मिलेंगे कुछ नए टॉपिक पर। ओम शांति।